100 रुपए है, 160 रुपए। 1 महीने बाद बाद 4 गेहूं से 3 रुपए हो जाता है। बीजगणित तथा रूप में जट की दो के से एक और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर कम तीन। तो इस सवाल, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को आप बीजगणित और ज्यामिति के रूप में, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बीजगणित के रूप में व्यक्त करेंगे। सबसे पहले हम इसका समीकरण निकालेंगे, फिर उस समीकरण का ज्यामिति रूप मतलब उसका ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले मान लिया 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए है। एक केजी सेब का मूल्य x रुपए, 1 केजी अंगूर का मूल्य y। अब सवाल है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपए, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना हुआ, 2 गुणे 1 केजी सेब का मूल्य है x, 2 गुणे x, और 1 केजी अंगूर का मूल्य होगा 1 गुणे 2 केजी सेब का मूल्य हुआ 2 गुणे x, 1 केजी अंगूर का मूल्य हुआ 1 गुणे y, और दोनों का अंक कर दें तो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य मिल गया, और ये हो गया 2x धन y, और ये मूल्य बराबर किसके है, दिया हुआ है कि 160 रुपए के बराबर, अतः ये हो जाएगा इक्वल टू 160। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह दूसरी जो शर्त दी हुई है, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये। तो 4 केजी सेब का मूल्य कितना होगा, 4 गुणे x, और 2 केजी अंगूर का मूल्य होगा 2 गुणे y। इन दोनों को जोड़ दें तो
चार केजी सेब और दो केजी अंगूर का मूल्य बराबर हो गया 4x + 2y। और ये प्रश्न के अनुसार दिया है कि 300 रुपए होना चाहिए, तो 4x + 2y = 300। ये आपको दूसरा समीकरण देंगे। तो आपका जो सवाल था वो सवाल का द्वितीय निरूपण ये हुआ कि ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म मिला 2x + y = 160, 4x + 2y प्रदत्त। अब हम इसी केवल हमें इसके समीकरण की जरूरत है, ज्यामिति निरूपण देखेंगे और किसी समीकरण का खींचने के लिए हमें बिंदुओं की जरूरत होती है। इसके पहले हम लोगों ने कौन पढ़ोगे हैं कि जो भी रैखिक समीकरण होते हैं रेखा बनाते हैं तो हम पहले समीकरण और दूसरे समीकरण पर दो दो बिंदु प्राप्त करेंगे और उसकी सहायता से उन रेखाओं का निरूपण करेंगे। तो हम यहाँ पर सारणी बनाते हैं किसके लिए, समीकरण एक। ये क्या है कि यहाँ पर मान x y, अब मान लीजिए पहले समीकरण के लिए x का मान हम लोग 0 लेंगे। तो अगर यहां पर x का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 0 = 1। तो ये शून्य हो गया, y बराबर 1। अब यहाँ पर हमें पैमाना मानना पड़ेगा क्योंकि ये 160 बहुत लंबी क्वांटिटी है, तो हम 10 यूनिट या मात्रक बराबर 1 सेंटीमीटर, यहां पर 160 है तो इसकी जगह कितना हो जाएगा वाई का मान 10 से भाग देंगे तो 16। ठीक इसी तरह अगर यहां पर वाई बराबर 0 हो तो x का मान कितना हो जाएगा 2x + 0 = 160 और x बराबर 80 और ये हो जाएगा अगर उस पैमाने से हम लोग हैं तो 8। अब समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 यहां पर भी हम और वही बात यहां पर भी करेंगे, x बराबर 1 बार 0 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, जैसे ही x बराबर 0 लेंगे 4 × 0 = 2y = 300, तो ये हो जाएगा 2y = 300 y = 150। और इस मात्रक पर 10 मात्रक बराबर 1 सेंटीमीटर करेंगे तो अगर x बराबर 0 ले रहे हैं तो y बराबर 15 और फिर y बराबर 0 लेंगे तो 4 × x + 2 × 0 = 3।
ये हो जाएगा 4x बराबर 300, x बराबर 300 बटे 4, ये हो गया 75। तो अगर y=0 है, ये हो जाएगा 4.5। अब यहां से हमें दो बिंदु मिल गए दोनों रेखाओं पर या दोनों समीकरण। पहले के लिए है 0, 16 एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 8 और 0। दूसरे समीकरण से जो कर्व या जो ग्राफ आलेख बनेगा उस पे दो बिंदु होंगे, एक बिंदु का कोऑर्डिनेट होगा 0, 15, दूसरे का कोऑर्डिनेट होगा 7.5 और 0। तो अब हम लोग ग्राफ देखते हैं, ये है ओरिजिन O, इधर से हम इधर दूरी नापेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसी तरह इसके बाएं तरफ भी बनाएंगे और इसके नीचे, ये हो जाएगा x, ये हो गया y। अब समीकरण एक के लिए x=0, y=16। x=0 कहाँ होगा? जहां पर x अक्ष के एलान, x अक्ष के अनुदिश दूरी 0 हो, और वो कहाँ होती है? वो होती है y अक्ष। जैसे ही y अक्ष से कोई बिंदु होता है वहां पर x अक्ष के एलान दूरी क्या होती है? 0। और y अक्ष के एलान दूरी कितना है? 16। तो ये जो कोऑर्डिनेट है 0 और 16, ये होगा a। y एक्सिस पर 16 यूनिट की दूरी जब मान नापेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये दो बिंदु, ये बिंदु निर्भर करेगा 0 और 16। दूसरा है x कोऑर्डिनेट के लान 8 यूनिट की दूरी और y कोऑर्डिनेट के लान 0 यूनिट की दूरी। तो y के अंदर 0 का मतलब x, और x पर कितनी दूरी? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो बिंदु है 8, 0, इस कोऑर्डिनेट को निरूपित करेगा। अब हमारे पास दो बिंदु मिल गए और इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली जो रेखा होगी वही समीकरण एक द्वारा निरूपित की जाएगी। तो इन दोनों बिंदुओं को हम मिला दे रहे हैं, ये जो रेखा है ये रेखा रिप्रेजेंट होगी, निरूपित होगी समीकरण 2x + y = 160। दूसरा जो समीकरण वो है x = 0 तो y = 15, मतलब इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 और 15, मतलब y एक्सिस पर 15 यूनिट और x एक्सिस पर 0, तो ये भी एक्सिस पर होगा और वो बिंदु ये वाला होगा एक पॉइंट नीचे, ये हो जाएगा 0 और 15। और दूसरा पॉइंट है 7.5 और 0, वो है ये है 8 और ये 7.5। तो एक्स, ये वाला जो कोऑर्डिनेट रेखा होगी, ये रेखा होगी 4x + 2y = 3।
ये दूसरी वाली रेखा होगी जो कि कोऑर्डिनेट 7.50 और 0.15 से होकर के गुजरेगी। तो ये दोनों रेखाएं आपस में जा रही, यही दोनों रेखाएं दिए गए सवाल का ज्यामिति निरूपण है। तो दिए गए रैखिक समीकरणों को या रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग ज्यामिति विधि की सहायता से निरूपित कर सकते हैं और इसका हल भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका हल हम लोग आगे देखेंगे कि ज्यामिति विधि से कैसे रैखिक समीकरण युग्मों का हल निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग केवल ज्यामिति निरूपण की बात करेंगे कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को ज्यामिति में कैसे निरूपित करते हैं या ग्राफ के रूप में किस तरह देखते हैं। तो ये जो रेखाएं बन रही हैं, ये दोनों रेखाएं ही का जो सिस्टम बन रहा है, यही सिस्टम पूरे के पूरे सवाल को रिप्रेजेंट करता है या निरूपित करता है। तो आगे हम लोग अब देखेंगे कि ये जो युगपत है, जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इनका हल कैसे निकालते हैं और इनका हल कब निकलता है और कब इनके हल नहीं निकल सकते और इनके हल कितने हो सकते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो इसको हम लोग मिटा दे रहे, आगे हम लोग देखते हैं। रखाव के साथ तीन रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, क्या है कि ये रेखा ए है और ये रेखा बी, ये मान लीजिए कि समीकरण एक द्वारा निरूपित है और ये समीकरण तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा यह हो सकता है कि आपके पास एक रेखा ऐसी हो और दूसरी रेखा क्या करे, इसे प्रक्षेप कर लेगा। तो ये क्या हो गया, ये समीकरण एक हो गया और ये समीकरण दो से निरूपित रेखा हो गई। तीसरा तरीका यह हो सकता है कि एक रेखा ऐसी हो और दूसरा, ये समीकरण नंबर एक द्वारा निरूपित रेखा है और जो दूसरा समीकरण है वो भी इसी रेखा को ही निरूपित करे, मतलब जस्ट इसी को, यही रेखा के ऊपर है। ये दो मतलब समीकरण एक और समीकरण दो दोनों एक ही रेखाओं को निरूपित करे, मतलब संपर्क एक दूसरे के ऊपर। अब इन चार तरह की कंडीशन हो सकती है दो रेखाओं के, सॉरी इन तीन तरह की कंडीशन हो सकती है दो रेखाओं के साथ, एक दोनों रेखाएं समांतर हो सकती हैं, दूसरा दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो सकती हैं, तीसरा दोनों रेखाएं एक ही पर निरूपित हो सकती हैं। तो अगर पहला शर्त के अनुसार अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो क्या है कि इन दोनों रेखाओं में इस पूरे तल में कोई ऐसा बिंदु नहीं है जहां की ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के काट रही हो या जो इन दोनों रेखाओं पर एक साथ हो। इस वाले में क्या है कि एक बिंदु है ये यहां पर एक काट रहे हैं जो कि इन दोनों रेखाओं पर स्थित है, और इस स्थिति में क्या है कि अनंत बिंदु है जो दोनों रेखाओं पर स्थित है।
अब अगर आपके पास दो समीकरण मान लीजिए ऐसे दिए हुए हैं, एक्स धन वाई बराबर 3, 3x धन वाई बराबर 4, तो इसका हल का मतलब क्या होता है? इसका हल का मतलब मान जो इस समीकरण को भी संतुष्ट करे और इस समीकरण को संतुष्ट करे, मतलब समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो, दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ज्यामिति रूप में इनको हम रिप्रेजेंट करें तो जो बिंदु समीकरण नंबर एक से निरूपित रेखा, वही बिंदु समीकरण नंबर दो से निरूपित रेखा पर भी होना चाहिए और दोनों एक साथ। तो ये दोनों कंडीशन इस वाली स्थिति में तो नहीं हो सकती, कोई ऐसा बिंदु नहीं मिल सकता जो एक साथ दोनों रेखाओं पर स्थित हो, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं, एक दूसरे को कहीं काट नहीं रही है। इसलिए अगर युगपत समीकरण, सॉरी रैखिक समय, दो चरों वाले रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं तो उसमें कोई हल नहीं होगा। क्या थी? कोई हल नहीं होगा, पहली। दूसरी ये बात, अगर दो चरों वाले रैखिक निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं तो दो रेखाएं केवल और केवल एक ही बिंदु पर काटेंगी। इस स्थिति में एक द्वितीय हल होगा और तीसरी स्थिति, जब दोनों रेखाएं एक ही पर आरोपित हों तो इस स्थिति में कि जितने बिंदु हैं पूरी रेखा पर दोनों एक साथ दोनों पर हैं तो इस स्थिति में अपरिमित हल होगा। परिमित मतलब अनंत हल होंगे। तो अगर आपके पास दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं तो तीन शर्तें हो सकती है, तीन बातें हो सकती हैं, या तो उनमें कोई हल ना निकले, या एक हल निकलेगा, या अनंत हल निकलेंगे। ये ज्यामिति विधि द्वारा हम लोग देखें, इसी को हम बीजगणित विधि द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, देखेंगे कि क्या स्थिति होती है। कि अगर कोई हल नहीं है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या शर्त होनी, ये यूनिक हल है क्या शर्त होनी चाहिए, और अगर अनंत हल है तो क्या शर्त है। उसके लिए हम जनरल इक्वेशन लेंगे, सामान्य इक्वेशन लेंगे, सामान्य समीकरण लेंगे दो चरे वाले समीकरण। तो आगे चलते हैं, मान लीजिए कि आपके पास दो समीकरण है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर, और एक समीकरण है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू। एक शर्त यह है कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण तभी रिप्रेजेंट करेगा, तभी बनाएगा जब ए वन और ए टू, सॉरी ए वन और बी वन दोनों जीरो ना, मतलब ए वन डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी वन डज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसी दोनों कि ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो, और उसी में ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर। क्योंकि अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो ये दो चरों वाला नहीं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये दोनों जो समीकरण लिखे हुए हैं ये इनका हल कब निकल सकता है और कब नहीं। तो इसके लिए पहला जो शर्त है, यदि
वन अपॉन ए टू डायगोनल फल को बी वन अपॉन बी टू, तो अनंत है, एक अद्वितीय फल होगा। दूसरा सत्य है कि यदि ए वन अपान ए टू बराबर बी वन अपान बी टू, डजनाट इक्वल टू सी वन अपान सी, तो यहां पर नहीं होगा। सी वन अपॉन सी टू तो अपनी अपनी को मिल के बराबर नहीं है, डी वन अपान डी टू बराबर सी वन अपान सी। इस स्थिति में एक ही रेखाएं हो जाएंगी, एक दूसरे पर आरोपित हो जाएंगी और इस स्थिति में अपरिमित फल निकलते हैं। तो ये तीन शर्तें थी जो बता रही हैं कि कोई भी दो चर वाला रैखिक युग्म है तो उसके कितने हल होंगे। अब आइए इस पर एक सवाल हल कर लेते हैं। समीकरण युग्म में पांच एक्स चार वाई धन
आठ बराबर जीरो, सात एक्स धन छह वाई प्लस माइनस नौ बराबर जीरो। दूसरा समीकरण है नौ एक्स धन तीन वाई धन बारह बराबर जीरो, अठारह एक्स धन छह वाई धन चौबीस बराबर जीरो। और तीसरा समीकरण है छह एक्स ऋण तीन वाई धन दस बराबर जीरो, दो एक्स धन नौ बराबर जीरो। ये तीन समीकरण तीन रैखिक युग्म आपको दिए गए हैं, रैखिक समीकरण के युग्म। इन तीनों बताना है कि इनके कितने हल होंगे। तो पहले के लिए a1 बराबर कितना है पांच, b1 बराबर ऋण चार और c1 बराबर आठ, a2 बराबर सात, b2 बराबर छह, c2 बराबर ऋण नौ। तो a1 अपान a2 कितना हो जाएगा पांच बटा सात, b1 अपान b2 हो जाएगा ऋण चार बटा छ, c1 अपान c2 बराबर ऋण आठ बटा नौ। तो यहाँ क्या है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, इतना तो है। आगे भी और है कि c1 अपान c2 के बराबर नहीं। तो मैं पहले कंडीशन था कि अगर a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 तो एक द्वितीय हल मिलेगा। अब यहां पर जो समीकरण नंबर एक है, समीकरण नंबर एक नहीं, जो पहला सवाल है, जो समीकरण समीकरण युग्म है दो चरों वाले समीकरण पर, तो इसके एक अद्वितीय हल होगा। दूसरे के लिए a1 बराबर नौ, b1 बराबर तीन, c1 बराबर बारह, a2 बराबर अठारह, b2 बराबर छह, c2 बराबर चौबीस। तो a1 अपान a2 बराबर क्या हो जाएगा नौ बटे अठारह, एक बटा दो। b1 अपान b2 बराबर हो जाएगा तीन बटे छह बराबर एक बटे। तीसरा c1 अपान c2 बराबर हो जाएगा बारह बटे चौबीस, ये बराबर एक बटे दो। इसका मतलब हो गया a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। यहां पर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि दोनों समीकरण से निरूपित रेखाएं समान। तो इस स्थिति में जो दूसरा है इसका कोई हल आपको नहीं मिलेगा। तीसरा ये चेक कर लेते हैं, सवाल नंबर थर्ड है, इसमें a1 बराबर छह, b1 बराबर ऋण तीन, c1 बराबर दस, a2 बराबर दो, b2 बराबर ऋण एक, c2 बराबर नौ। तो a1 अपान a2 बराबर छह दो बराबर तीन, b1 अपान b2 बराबर ऋण तीन बटे ऋण एक बराबर तीन, और c1 अपान c2 बराबर हो जाएगा दस बटे नौ। तो यहां से क्या मिला, यहां से हमें मिला कि
ए वन अपान ए टू बराबर बी वन अपान बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू। कंडीशन नंबर थर्ड, यहां पर क्या मिलेंगे? अपरमित है, अपरमित स्थिति में इस समीकरण के या इस समीकरण युग्म के अनंत फलन। तो दिए गए समीकरण युग्मों को हम ये बता सकते हैं कि इसमें कितने हल निकल सकते हैं। तो इसके एक अद्वितीय हल मिलेगा, इसका कोई हल नहीं होगा और इसका अनंत हल नहीं। इस तरह आज हमने ये देखा कि समीकरणों पर इसके बाद अगले क्लास में हम देखेंगे कि समीकरणों को कैसे हल करेंगे, देखेंगे कि ज्यामितीय रूप से कैसे हल करते हैं, उसके बाद और हल करने के जो भी को हम लोग देखेंगे। तो आज इस क्लास में बस, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल पर रिकॉर्डेड क्लास पाने के लिए उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर कि प्रत्येक क्लास रिकॉर्डिंग क्लास आपको वहां उपलब्ध हो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।